अगर आपकी वॉइस कुछ इस तरह की है तो आप अपनी वॉइस को कुछ इस तरह से कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। कुछ दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट के अंदर मैंने एक पोस्ट डाली थी और आप सभी से पूछा था कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, तो आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। अभी आपकी डिमांड के ऊपर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो काम आपको करना है, अगर आपने कोई वीडियो बना दी है तो उसको कन्वर्ट कर देना है ऑडियो के अंदर। उसके लिए आप सिंपली ये वाला टूल यूज कर सकते हो, ये प्ले स्टोर से इजीली आपको मिल जाता है, वीडियो टू MP3 कन्वर्टर। ये आप यूज कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी वीडियो को ऑडियो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो अलग से वॉइस रिकॉर्ड करनी है वो भी अच्छे वाली, तो ये सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो जिसका नाम है RaceForge। ये वाला सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो। इसमें एड आ रहा है तो आप क्लोज करो एड को और यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो। यहाँ पर आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो जाए, उसके बाद यहाँ पर रीनेम करके आपने सेव कर देना है कुछ इस तरीके से। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये सेव करके रखा है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब सिंपली आपने दो स्टेप के अंदर आपकी जो वॉइस है उसको आपने प्रोफेशनल लुक देना है। कैसे, चलिए बताता हूँ। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि क्रोम ब्राउजर के ऊपर आपने चले जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है एडोबी पॉडकास्ट। एडोबी पॉडकास्ट लिखने के बाद सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपके पास इसमें लॉगिन होनी चाहिए, आप लॉगिन कर सकते हो। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर इनहेंस स्पीच के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये देखें, आपको बताया कि कम से कम हम 1 घंटे तक की जो है ना वो ड्यूरेशन वाली वॉइस यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन यार कौन करता है। यहाँ पर चॉइस फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये देखें मैंने ये वॉइस सेव की थी वो वाली ये है, तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके इसको अपलोड कर देता हूँ। ये कुछ ही सेकेंड्स के अंदर हमारी ये वॉइस है, अब ये वॉइस हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। सिंपली डाउनलोड कर देना है इसे। यहाँ पर हम डाउनलोड करेंगे, ये डाउनलोड होना शुरू हो गई है, यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड हो गई। उसके बाद सिंपली आपने कैपकट को ओपन कर देना है। कैपकट ओपन करने के बाद सिंपली जो भी प्रोजेक्ट आपका था आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। मान लो कि मेरी ये वाली वीडियो, ये पहले इसका जो वॉइस है ये मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ और जाता हूँ साउंड के ऊपर और फिर मैं यहाँ पर क्लिक करके डिवाइस के ऊपर जाऊँगा और उसी वॉइस को मैं सर्च करूँगा। टूडे मैंने लिखा था तो टूडे, ये देखते हैं नीचे वाला वॉइस यानी कि जिसके ऊपर एनहेंस वेव लिखा हुआ है, जो हमने सेलेक्ट किया है, डाउनलोड किया है वहाँ से एडोबी पॉडकास्ट से, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसको हमने यहाँ पर ऐड किया। अब सिंपली आपने करना क्या है, आपने ये करना है यहाँ पर आने के बाद वॉइस को सिलेक्ट करना है। वॉइस को सिलेक्ट करने के बाद कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली ये देखिए यहाँ पर ये आएंगे वॉइस इफेक्ट के ऊपर। वॉइस इफेक्ट के ऊपर ये वाली चीज़ें आपको आपके कैपकट के अंदर नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको कैसे मिलेंगी वो उसके लिए मैंने ऑलरेडी अलग से एक वीडियो बना कर रखी है, चैनल जाकर विजिट करें, ठीक है। यहाँ पर ये बेस बूस्ट यहाँ पर क्लिक करके इसको 100 तक करेंगे, ओके। उसके बाद सिंपली आपने आना है वॉल्यूम के ऊपर, यहाँ पर इसको आपने रखना है 500 के करीब, ठीक है। यहाँ पर 500 के करीब रखा, ठीक है। अब मैं बिफोर आफ्टर दोनों आपको चीज़ें सुनाता हूँ और आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला है तो। तो कैसे हैं आप लोग, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो कैसे हैं आप लोग, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।